इस समुद्री मलबे का रहस्य टाइटैनिक से भी कई गुना ज्यादा है। वैज्ञानिक भी हैं हैरान। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये संसार रहस्यों की खदान है। आपको कई जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाएगा जो आपकी समझ से परे हो। कुछ चीजों के रहस्य तो हमारा आधुनिक विज्ञान सुलझा लेता है, पर कई रहस्य ऐसे होते हैं उन्हें सुलझाने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसे रहस्यों को फिर वैज्ञानिक भी छोड़ देता है, क्योंकि ये अभी हमारे विज्ञान की समझ से ही परे होते हैं। 2000 वर्ष पहले डूबा था जहाज। लगभग 2000 वर्ष पहले भूमध्य सागर में एक जहाज डूबा था। जांचकर्ता जब समंदर की गहराई में मलबे तक पहुंचे तो वहां उन्हें एक इंसानी कंकाल भी मिला। जांचकर्ता इस इंसानी मलबे पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह कंकाल शायद कृमिक विकास की परतें खोल सकेगा। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मानव कंकाल ग्रीस के द्वीप अंतिकिथेरा के तट के पास पुरातत्वविदों को 2000 साल पुराना मानव कंकाल मिला था। वह कंकाल मलबे में दबा हुआ था। अब जांचकर्ता कंकाल से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिक सफल हुए तो यह पता चलेगा कि मृतक के पूर्वज कौन थे और उसके वंशज कौन है। उसके बालों और आँखों का रंग भी पता चलेगा। आपको बता दें कि समुद्र में कंकाल आमतौर पर नहीं मिलते हैं। सागर के भीतर या तो मछलियां उन्हें खा लेती हैं या फिर लहरें उन्हें बहाते बहाते पानी में घोल देती हैं। यह पहला मौका है जब इतना पुराना कंकाल सही सलामत मिला है। इस कंकाल में खोपड़ी भी है, हाथ पैर हैं और पसलियां भी सही सलामत हैं। अंतिकिथेरा का रहस्य। डेनमार्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के डीएनए एक्सपर्ट हैंस श्रोएडर हैरानी से कहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं जैसे हड्डियां 2000 साल पुरानी हों। मैसाचुसेट्स के समुद्र विज्ञानी ब्रेन फोली के मुताबिक, पुरातत्व विज्ञानी अब तक हमारे पुरखों द्वारा बनाई गई चीजों के जरिए ही इंसान के इतिहास पर शोध कर रहे हैं। अंतिकिथेरा के मलबे के सहारे हम यह कह सकते हैं कि वह शख्स विदेश की तरफ निकला था, लेकिन वह अंतिकिथेरा जहाज में मारा गया। अंतिकिथेरा जहाज के मलबे का पता पहली बार सन 1900 में चला था। जहाज का मलबा आज भी विज्ञान जगत को हैरान करता है। जहाज के मैकेनिज्म को दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर सिस्टम माना जाता है। अंतिकिथेरा में लगा सिस्टम सूर्य, चंद्रमा और तारों की चाल की गणना करता था और दिशा और मौसम का अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ता था। दूसरी शताब्दी के इस जहाज को घरारियां और गियर सिस्टम की मदद से चलाया जाता था। जहाज के मलबे में संगमरमर की मूर्तियां, दस्तरखान और हजारों कलाकृतियां भी मिली। मलबे में एक और कंकाल भी मिला था, लेकिन तब डीएनए तकनीक ईजाद नहीं हुई थी। अब यह जानना दिलचस्प ही है कि उस समय विज्ञान कैसे इतना उन्नत था कि ऐसे मैकेनिज्म बनाए जाते थे जो कई सालों तक सही काम करते थे और आज भी करते हैं।